हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एयरक्राफ्ट मेटल स्ट्रक्चर रिपेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे एयरक्राफ्ट पे बहुत सारे स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं, जैसे कि टेंशन, कंप्रेशन, सीयर, बेंडिंग एंड टॉर्शन। तो यार, हमारे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर की डिज़ाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ड्यूरिंग फ्लाइट और ऑन ग्राउंड जो हमारा एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है वो इन सभी स्ट्रेसेस को बियर कर सके, और वो भी बिना किसी डिफॉर्मेशन के। तो यार, ये जो फोर्स होंगे ये हमारे एयरक्राफ्ट पे हमेशा लगेंगे, चाहे हमारा एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे हो या हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाइट में हो। ड्यूरिंग फ्लाइंग भी लगेंगे और ऑन ग्राउंड भी लगेंगे। मान लो यार कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये हमारा एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है अभी, ठीक है। ये हमारा एयरक्राफ्ट है, हमारा एयरक्राफ्ट अभी ग्राउंड पे है। देन हमारे विंग्स में, हमारे फ्यूजलेज में, और जो विंग्स के ऊपर इंजन माउंट होंगे मान लो, तो उन इंजन में भी कुछ वेट होगा यार। उस वेट से क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इन सब के ऊपर, नीचे की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यार, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे एयरक्राफ्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर ट्विस्टिंग, पुलिंग, कंप्रेशन, सीयर फोर्स, ये सब एक्ट होंगे। और यार, मान लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, देन क्या होगा, हमारे फ्यूजलेज पे तो वही फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे विंग्स पे अपोजिट फोर्स एक्ट हो जाएगा। पहले हमारी विंग्स पे जब हमारा एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड था तो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा था, बट ड्यूरिंग टेक ऑफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपवर्ड फोर्स लिफ्ट में, वो लिफ्ट के अपवर्ड फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्यूरिंग फ्लाइट जब हमारी एयरक्राफ्ट की जो विंग टिप्स हैं वो भी स्लाइटली बेंड हो जाएंगी, और उनमें थोड़ा बहुत फ्लटरिंग भी देखने को मिलेगा। तो यार, बहुत सारे फोर्स एक्ट होते हैं हमारी एयरक्राफ्ट पे, बहुत सारे स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं हमारी एयरक्राफ्ट पे, जब हमारा एयरक्राफ्ट चाहे ऑन ग्राउंड हो, चाहे ड्यूरिंग फ्लाइट हो, ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड ड्यूरिंग लैंडिंग, एक मिक्सचर ऑफ फोर्सेस, स्ट्रेसेस यू कैन से, एक्ट होता है हमारे एयरक्राफ्ट पे। तो यार, हम डिस्कस कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मेटल स्ट्रक्चर रिपेयर की, और ये मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स के बिना एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स की, सम बेसिक मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे स्केल की। तो स्केल एक मेजरिंग डिवाइस है यार, और इसको आप लोगों ने बहुत बार अपनी लाइफ में यूज किया भी होगा। स्केल्स जो है यार वो बहुत सारी लेंस में आते हैं, लेकिन जो मेनली जो कॉमन यूज स्केल्स हैं वो है यार 6 इंच और 12 इंच, ये मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज स्केल है यार। इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता दूं यार, कि हम कुछ भी अगर मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो स्केल को हम एज से ना रख के 1 इंच से अगर स्टार्ट करें मेजर करना, तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी एज कंपेयर टू जब आप उसको एज पे रख के मेजर करोगे। कि मेजर करना तो आप सब लोग जानते ही होगे यार। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्क्वायर की। तो जैसा कि नाम से आप देख रहे हो, कॉम्बिनेशन स्क्वायर, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको 3 हेड्स दिख रहे होंगे, तो ये इन तीनों हेड्स का कॉम्बिनेशन है, एक सेट है, तो इसका नाम हमने दे दिया कॉम्बिनेशन स्क्वायर। तो यार, जो कॉम्बिनेशन स्क्वायर है वो मेनली 3 हेड का बना होता है, जिसमें 3 हेड होते हैं और एक स्टील का स्केल होता है, जिसमें कि ग्रूविंग की होती है, बीच में से एक ग्रूव लाइन रहती है जिसके ऊपर तीनों हेड फ्रीली मूव कर सकते हैं। स्क्रू की हेल्प से हम उनको किसी भी पोजीशन में लॉक भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है, जो नंबर 1 है, वो है स्क्वायर हेड, दूसरा है प्रोट्रैक्टर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड, और जो थर्ड नंबर है वो है सेंटर हेड। तो ये कैसे काम करते हैं, ये तीनों हेड कैसे काम करते हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर हेड की। तो यार, स्क्वायर हेड का हम यूज करते हैं एक 90 डिग्री या 45 एंगल को मेजर करने के लिए, और यार ये डेप्थ गेज के रूप में भी हम इसको काम कर सकते हैं। यार, स्क्वायर हेड के अंदर एक स्पिरिट लेवल दिया होता है,
अगर कोई भी सरफेस है उसकी लेवल को चेक करने के लिए, तो मेनली ये काम है हमारे स्क्वायर हेड का। आगे आते हैं हम प्रोटेक्टर हेड। ये प्रोटेक्टर हेड जो है वो स्क्वायर हेड से थोड़ा सा एडवांस है यार। ये तो ओनली दो एंगल को मेजर कर सकते थे हम, इन 90 डिग्री और 45 डिग्री, लेकिन प्रोटेक्टर हेड जो होता है उससे हम कोई भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। बात करें, और हाँ, प्रोटेक्टर हेड में भी एक स्पिरिट लेवल दिया होता है टू मेजर द लेवल ऑफ एनी सरफेस। देन आफ्टर हम बात करते हैं सेंटर हेड की। यार सेंटर ऑफ हेड क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी शाफ्ट है, आपके पास कोई भी सर्किल है, आपके पास कोई भी स्फीयर है, अगर आपको उसका सेंटर जानना हो, अगर कोई सर्कुलर शेप में आपने एक सरफेस कट कर ली, हमारे एयरक्राफ्ट में कोई भी डैमेज हो गया, एक सर्कुलर प्लेट आपको लगानी है, तो आप उसका सेंटर पता कर सकते हो सेंटर हेड से वेरी इजीली। तो यार नेक्स्ट बात करेंगे डिवाइडर की। ये डिवाइडर भी एक मेजरिंग टूल है यार। आप इससे कोई भी मेजरमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी प्लेट है, कोई भी सीट है, कोई भी पाइपलाइन है, तो आप उसको मेजरमेंट को ट्रांसफर करना है, कोई भी मेजरमेंट करनी है, तो यार एक टिप इस पे रखिए और एक टिप इस पे रखिए प्रोटेक्टर की। एंड देन आफ्टर स्केल के ऊपर 1 इंच से स्टार्ट करेंगे तो आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगी। और डिवाइडर का भी आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा। तो नेक्स्ट जो मेजरिंग टूल है फ्रेंड्स, वो है रिवेट स्पेसर। तो यार रिवेट स्पेसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। रिवेट्स के बीच में जो स्पेस है वो हमें बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने रिवेट स्पेसर लिया और वहाँ पे रिवेट्स को मार्क कर दिया। जो आप फिगर में देख रहे हो वो 10 रिवेट स्पेसर है फ्रेंड्स। सबसे ऊपर आप जो टिप पे देख रहे हो जो हॉल्स है वो 10 हॉल्स है। 10 रिवेट्स का आप स्पेसिंग कर सकते हैं इस टूल से एट ए टाइम। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मार्किंग टूल्स की। सबसे पहला इसमें है फाइबर टिप पेन। तो आपने मार्कर देखा होगा फ्रेंड्स, तो ये वही मार्कर पेन है, फाइबर टिप पेन है, जो नॉर्मली हम मार्किंग के लिए जो पेन यूज़ करते हैं, तो ये जो है मार्किंग के लिए है फ्रेंड्स। जो भी आपको मार्किंग करनी है, आपको पॉइंट मार्क करना है, आपको लाइन मार्क करना है, इससे आप मेटल सर्फेस के ऊपर काफ़ी अच्छी मार्किंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो मार्किंग टूल है वो है स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स क्या होता है दोस्तों? अगर आपको ड्रिल करनी है तो आपको पॉइंट मार्क करना है तो आप स्क्राइब से कर सकते हैं। आपको जो है मेटल कट करना है तो आप एक लाइन मार्क कर सकते हो स्क्राइब से। बट यार इसमें क्वेश्चन है कि आप तभी स्क्राइब का यूज़ करें जब आपको जो आपने जो पॉइंट किया है, जो आपने पॉइंट मार्क किया है या आपने जो लाइन मार्क की है उसको आप रिमूव करोगे बाय कटिंग और ड्रिलिंग। अगर आपको कटिंग करना है उसके लिए आप लाइन जो है ड्रॉ कर रहे हो स्क्राइब से, तो वो जो लाइन है वो रिमूव होनी चाहिए हमारे मेटल से। और अगर आप एक पॉइंट मार्क कर रहे हो ड्रिलिंग के लिए, तो वह जो पॉइंट है वो भी रिमूव होना चाहिए हमारी ड्रिलिंग से। नहीं तो क्या होगा यार, ये हमारे एक्चुअली मेटल की स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है स्क्राइब्स। और जहाँ पे भी स्क्राइब का मार्क होगा वहाँ पे कोरोजन लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो मार्किंग शुड बी रिमूव। जो हमारा नेक्स्ट जो मार्किंग टूल है वो है पंचेस। और पंचेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पंचेस जो हैं मेनली कार्बन स्टील के बने होते हैं। सो मेड ऑफ कार्बन स्टील। और बहुत टाइप के पंचेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इनको हार्डन्ड और टेम्परिंग इनमें किया होता है, काफ़ी हार्ड हैं और टेम्पर्ड ये रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास पंच हैं और कैसे उनका यूज़ करना है और कहाँ कहाँ हमें उनका यूज़ करना है। तो यार पंचेज में सबसे पहले बात करेंगे प्रिक पंच की। यार प्रिक पंच क्या होता है? जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, इसकी जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, बहुत शार्प टिप होती है प्रिक पंच की। और एक स्मॉल जो है मार्किंग होती है इससे हमारे मेटल स्ट्रक्चर पे, बहुत ही शार्प मार्किंग होती है। मेनली ये लेआउट यू कैन से डिवाइस है, लेआउट करनी है आपको बहुत ज़्यादा मार्किंग करनी है तो सबसे पहले आप जस्ट लेआउट कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही आप लेआउट कंप्लीट करोगे उसके बाद आप जो है सेंटर पंच से उसको मार्क करके एनलार्ज कर सकते हो उस मार्क को, और उसके बाद आप ड्रिल कर सकते हो। डायरेक्ट जो है प्रिक पंच से आप ड्रिल नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ एक लेआउट टूल है। स्टार्टिंग में आपने लेआउट कर लिया कि हमें यहाँ यहाँ जो है ड्रिल करनी है, जस्ट लेआउट टूल है। उसके बाद सेंटर पंच लीजिए, सेंटर पंच से उसको एनलार्ज करिए जो आपने मार्क किया है उसको, देन आफ्टर उनको ड्रिल करिए। तो ये सिर्फ लेआउट के लिए है हमारा प्रिक पंच। प्रिक पंच का एक यूज और है। मान लो कि आपके पास पेपर में कोई लेआउट है, राइट,
अगर आपके पास पेपर में कोई लेआउट है उसको आपको ट्रांसफर करना है किसी मेटल के ऊपर, देन प्रिक पंच का आप यूज कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो पेपर से मेटल के ऊपर लेआउट ट्रांसफर कर सकते हो। देन उसके बाद सिमिलर आप जो है सेंटर पंच का यूज करिए, सेंटर पंच से आप उसको एनलार्ज करिए मार्किंग को, उसके बाद आप ड्रिल कर सकते हैं। जब भी आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप मार्किंग कर रहे हो किसी भी मेटल पे, तो हैमर का यूज कभी मत करिएगा प्रिक पंच के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो इसकी टिप काफी ज्यादा शार्प है, तो या तो ये टूट जाएगी इसकी जो टिप है वो, या फिर आपके मेटल को डैमेज कर देगी। नेवर ब्लो हैमर्स ऑन द प्रिक पंचेस, ये जस्ट आपके हैंड प्रेस से ही वो मार्क हो जाएगा, उस पर काफी ज्यादा शार्प है इसकी टिप। सो नेक्स्ट मार्किंग टूल की हम बात करेंगे, वो है सेंटर पंच। और सेंटर पंच के बारे में आपने सेंटर पंच को यूज भी किया होगा बहुत बार। तो सेंटर पंच मेनली मार्किंग टूल है, जब हमको ड्रिल करनी होती है तो हम मार्क करते हैं सेंटर पंच से, ताकि हमारी जो ड्रिल है वो स्लिप ना हो मटेरियल के ऊपर। सो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमें जब हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। जब भी हम सेंटर पंच का यूज करते हैं तो इतने ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लो नहीं करना हमें हैमर को, कि जो हमारा मटेरियल है वो डैमेज हो जाए। नंबर टू इज थिंग इज, जैसे कि जैसे कोई होल है, आपने होल किया है उसमें से अगर आपको कुछ मटेरियल्स फंसा हुआ है उसमें से आपको निकालना है टू रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द होल्स, तो आप सेंटर पंच का कभी भी यूज मत कीजिए, उससे आपका जो मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा। और इतना ब्लो भी मत करिए कि वो पीछे की तरफ जो है बल्जिंग हो जाए, उसमें फूल जाता है कई बार हमारा मेटल जब हम ज़्यादा ब्लो कर देते हैं। तो जब भी आप मार्किंग कर रहे हो सेंटर पंच से तो लाइट मार्किंग करनी है, देन आफ्टर आपको ड्रिलिंग स्टार्ट करनी है। तो यार हम नेक्स्ट मार्किंग टूल की बात करेंगे, वो है ऑटोमेटिक सेंटर पंच। और ऑटोमेटिक सेंटर पंच का भी एकदम सेम पर्पस है जो पर्पस हमने सेंटर पंच से किया था। सेंटर पंच से हमने मार्किंग किया था और ड्रिल किया था, सेम पर्पस जो है ऑटोमेटिक सेंटर पंच का है। बट डिफरेंस ये है कि इसमें हम हैमर का यूज नहीं करते, इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि स्प्रिंग फोर्स लगता है, एक स्प्रिंग टेंशन लगती है। और उस मैकेनिज्म से क्या होगा, हम जस्ट इसको हाथ से प्रेस करेंगे देन अपना जो मार्किंग है वो हो जाएगा। इसमें हमें हैमर को यूज नहीं करना है, नहीं तो जो आपका स्प्रिंग टेंशन का जो मैकेनिज्म है वो खराब हो जाएगा। आप इसकी जो ऊपर जो इसमें कैप है, उस कैप को आप देख रहे हो, उस कैप से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके स्ट्रोक को, कि आपको कितनी मार्किंग करनी है, कैसा मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से। सो ऑटोमेटिक, जैसा कि नाम से आप देख रहे हो ऑटोमेटिक सेंटर पंच, ऑटोमेटिकली सेंटर पंच है ये, इसमें हैमर की जरूरत नहीं होती है, जस्ट आपको हाथ से पकड़ना है, प्रेस करना है और आपकी मार्किंग हो जाएगी। देन आफ्टर मार्किंग होने के बाद आपको ड्रिलिंग स्टार्ट करनी है। तो यार नेक्स्ट जो मार्किंग टूल है वो हम बात करेंगे ट्रांसफर पंच की। और जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये जो है मार्किंग को ट्रांसफर करने में यूज होता है ट्रांसफर पंच। और क्या होता है इसमें, इसमें हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं जिसमें ऑलरेडी हमने हॉल्स किए हुए हैं, और एक ले लेते हैं जिसमें हमें हॉल्स करने हैं। देन हम इस पंच को इसमें रखते हैं और थोड़ा सा स्लाइड टैपिंग करते हैं, देन जो हॉल्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं जिस सीट में हमें हॉल्स ट्रांसफर करने हैं। सो दिस इज द ट्रांसफर पंच। इसमें आप देख सकते हो फिगर में आपको दिख रहा होगा, पहले बिल्कुल सीधा है, पैरेलल चल रही है, और लास्ट में जो है एक पॉइंट है मार्किंग के लिए, जो सार पॉइंट नीचे दिया गया है। सो आप देख करके बता सकते हो, एकदम आइडिया लगा सकते हो कि ये ट्रांसफर पंच है और इसको ट्रांसफर करने के लिए ही यूज होता है, ये मार्किंग ट्रांसफर करने के लिए ही यूज होता है ट्रांसफर पंच। तो यार नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइव पंच की। तो ड्राइव पंच का जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, फेस इसका एकदम फ्लैट है, फ्लैट एंड है। तो यार इससे कैसी मार्किंग होगी? एक्चुअली ये मार्किंग के लिए यूज नहीं होता है दोस्तों, जैसा कि आप इसके फेस से बता सकते हो कि मार्किंग के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। तो कहाँ करते हैं इसका यूज? यार इसका यूज वहां करते हैं, मान लो कि आपके पास कोई भी होल है, कोई ब्लाइंड होल है, उसमें आपकी रिवेट, आपकी नट या कोई भी बोल्ट आपका कई बार फंस जाता है, तो उनको निकालने के लिए हम उनके ऊपर हेड पे रखते हैं और पे थोड़ा ब्लो करते हैं, ब्लो करके हम उनको निकालते हैं। तो फॉर दैट पर्पज हम इन पंचेस का यूज करते हैं, ड्राइव पंचेस को, टू ड्राइव आउट द डैमेज रिवेट्स, पिंस, बोल्ट्स और नट्स। तो यार नेक्स्ट हम बात करेंगे चेसिस पंच की, कि चेसिस पंच क्या होता है। तो एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिगर में आप देख रहे हो जैसे, अब क्या वर्किंग है इसका वो बताता हूँ मैं कि किस काम में आता है ये। यार चेसिस पंच जो है वो होल करने के लिए काम आता है कोई भी सीट मेटल में। अगर आपको कोई भी आपके एयरक्राफ्ट में कोई कंपोनेंट आपको किसी सीट मेटल में आपको फिट करना है, इंस्टॉल करना है,
तो कोई भी कंपोनेंट इंस्टॉल करना है तो आपको एक होल चाहिएगा करने के लिए, तो वो होल करने के काम आती है, और ये डिफरेंट साइजेस में आती है हमारा चेसिस पंच। सो वो डिपेंड करता है कि आपका कंपोनेंट का क्या साइज़ है, क्या डायमेंशंस है, उसके हिसाब से आप चेसिस पंच को चूज़ करोगे एंड देन आप होल करोगे। तो यार कैसे काम करता है, मान लो कि ये हमारा कोई भी सीट है, मेटल सीट है, सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है, ड्रिल करना है। जैसा कि आप बीच में देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो, नंबर वन पे मैंने जो बीच में इसका जो सैंक है उसको मैंने मार्क किया है नंबर वन। सो जो नंबर वन है उसका साइज़ आप देखोगे, उसके हिसाब से आप ड्रिल करोगे। तो आपने यहाँ पे ड्रिल करना है, सबसे पहले आपने ड्रिल करके यहाँ पे एक छोटा सा होल कर लिया है, ठीक है। आपने अपने स्ट्रक्चर में आपकी जो स्किन है, जो सरफेस है, उस पर आपने होल कर लिया है। देन आफ्टर जो मैंने डायग्राम में नंबर टू मार्क किया है, तो जो नंबर टू है वो आपके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा ऐसे, जहाँ पे आपने सैंक डाला और ऊपर वो वाला ऐसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। जो नंबर थ्री मैंने मार्क किया है वो कटर है दोस्तों, वो नीचे फिट होगा, तो उसको आप नीचे फिट कर दोगे थ्रेड करके, नीचे वो एंगेज हो जाएगा कटर, राइट। देन क्या होगा, आप इसको टाइट करोगे, टाइटनिंग डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे आप, ठीक है। इसको हम टाइटनिंग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, करते रहेंगे, फिर एक साउंड आएगा कट, एंड योर जो भी मेटल है वो उस साइज का कट हो जाएगा। तो फिर आप इसको खोल देना है, इसको रिमूव कर देंगे हम, खोल के रिमूव करके हटा लेंगे। देन आपका एकदम फ्लेंज्ड और काफ़ी अच्छा होल आपका बनेगा इंस्टॉलेशन ऑफ कंपोनेंट के लिए, एकदम परफेक्ट आपका होल बनेगा। थोड़ा फ्लेंज भी हो जाएंगे, जो एजिज होंगे, जो अपना सर्कुलर पोर्शन कट होगा उसके जो एजिज होंगे वो फ्लेंज हो जाएंगे, और काफ़ी अच्छा जो है इंस्टॉलेशन के लिए परफेक्ट आपका कटिंग होगा। तो यार नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल की। यार ऑल क्या होता है, यार ऑल को हम एज ए स्क्राइबर भी यूज़ करते हैं, स्क्राइब करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और नंबर टू हम इसको यूज़ कर सकते हैं होल्स को अलाइन करने के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, फिगर में देख रहे हो, काफ़ी शार्प इसका जो है सेंक है, और इसको होल अलाइनमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी टिप शार्प होती है, देन आफ्टर थोड़ा स्लाइड होकर के वो भी काफ़ी ज़्यादा डायमीटर उसका नहीं होता, तो होल्स को अलाइन कर सकते हो आप इससे। आप इसको मेटल और प्लास्टिक पे स्क्राइब मार्क्स कर सकते हो इस पर ईजिली, और प्लास्टिक पे तो आप इसमें होल्स भी कर सकते हो, अगर आपको होल करना है प्लास्टिक में तो आप इसको होल कर सकते हो प्लास्टिक के अंदर ईजिली, वेरी इजिली आप इसमें होल कर सकते हो। सो स्क्राइबिंग जो है इससे स्क्राइब कर सकते हैं, तो ये मार्किंग टूल्स भी है, और इसको बाकी पर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार नेक्स्ट हम बात करेंगे होल डुप्लीकेटर की। यार जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि होल डुप्लीकेटर, यार ये होल को डुप्लीकेट कर देता है, इसको हम बैक मार्कर भी बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में, इसको बैक मार्कर बोलते हैं। यार ये क्या काम आता है, यार ये काम ऐसी जगह आता है जहाँ पे मान लो कि हमारे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में कोई होल है, और यार आपको उसके ऊपर जैसे कि दो तीन होल है हमारी एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पे, ये होल्स हो गए, राइट। और यार इन होल्स पे आपको कोई एक प्लेट लगानी है इन होल्स के ऊपर, राइट। अब यार इस प्लेट के ऊपर ये जो होल्स हैं, ये तो अपनी एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के ऊपर होल्स हैं, राइट। हमारा एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये होल्स हैं, लेकिन हमें अपनी प्लेट के ऊपर होल ट्रांसफर करने हैं। सो होल ट्रांसफर करने के लिए हम बैक मार्कर, और यू कैन से होल डुप्लीकेटर, इसका हम यूज करते हैं। यार कैसे काम करता है ये, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, फिगर आपको दिख रहा है वेरी इजीली, इसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट ऊपर रहेगी और एक प्लेट नीचे रहेगी, राइट। इसमें दो प्लेट रहेंगी, जो नीचे जो प्लेट रहेगी उसमें कोई भी एक मेटल का पीस रहेगा जो अपने होल्स के अंदर एंगेज होगा, जो ओरिजिनल होल है, या जो हमारे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, इन दिस केस जो हमारे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में जो पहले से ही होल हैं उन होल्स में ये एंगेज होगा, और एक मेजर करके इसके एकदम वर्टिकली, और यू कैन से इसके एकदम अलाइन में एक होल्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने ड्रिल करके एक होल किया हुआ है। देन हम क्या करेंगे, मान लो कि ये हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है जिस पे ऑलरेडी होल है, ठीक है, एंड हम एक ऐसी सीट लेंगे जिस पे हमें होल करना है, तो ये हमने सीट ले ली, वो हम इसको इसके बीच में रखेंगे, जो होल डुप्लीकेटर है उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में हम जिस सीट पे होल करना है उसको बीच में रखेंगे। देन आफ्टर इसको हम इसमें एंगेज करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, सभी को हम प्रेस कर देंगे। देन आफ्टर
मार्कर से, स्क्राइब से जो है हम इसमें मार्किंग कर देंगे। तो इस पे हम मार्किंग कर देंगे जिस प्लेट पे हमें हॉल करना है, राइट। तो लाइक दिस हम मार्क कर लेंगे कि ये प्लेट हमारी यहां तक थी, राइट। ये मार्किंग हो जाएगी इसकी, हमें यहाँ पे हॉल करना है। तो हम इजीली जो है हॉल कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा होल हैं तो भी आप जो है मार्किंग करके, कोई भी एक होल पे मार्किंग करिए, उसको एंगेज करिए, दूसरे होल पे मार्किंग करिए, उनको एंगेज करिए। सो लाइक दिस आप जो है बैक मार्कर और यू कैन से डुप्लीकेट होल डुप्लीकेटर का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी जो है हेल्पफुल होती है ये, मार्किंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है विदाउट बैक मार्कर। जो है कई बार गलत मार्किंग कर देते हैं तो अलाइन नहीं हो पाता हमारा जो प्लेट है और यू कैन से जो हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हम फिक्स करना चाह रहे हैं, रिवेट करना चाह रहे हैं, वो फिक्स नहीं हो पाता अच्छे से। सो बैक मार्कर जो है उसके लिए कमाल की चीज़ है।